नाजरन एक बार फिर से मैं आपको बताती चलूँ कि असौदिया तिबी फाउंडेशन के बानी हकीम सैफुल्ला सीखू जिन्होंने तब पर सत्तर से ज़्यादा किताबें लिखी हैं उन्होंने अपनी किताबों में हमारे जिनसी अमराज और हमारे से मतलब बहुत सारी मसाइल का हल पेश किया है और उन्हीं की किताब से कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हहनुमाई कर रहे हैं ताकि आप आपकी ज़िंदगी में इन सारी चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें तो नाजरीन आज जिस टॉपिक पे मैं आपको गाइड करूँगी रहनमई करूँगी वो है जमा का सही वक्त नाजरीन जमा होता क्या है जमा बेसिकली हम बिस्तरी को कहा जाता है नाजरीन इसके सही वक्त का कायन करना बहुत ज़रूरी है इसके सही वक्त का तयन कुछ इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि मुख्तफ़ लोगों को मुख्तफ टाइम पर इसकी नीड फ़ील हो रही होती है लेकिन इसका सही तयन इसके वक्त का सही तयन करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप उसकी बशारत से महफूज़ हो सकें जो आपकी ज़रूरत है नाजिन कुछ लोग जिनमें मादा तोलीद की पैदावार कम है उनके लिए जमा करना ऐसा ही है जैसे खुद को किसी घड़े में धकेल देना है या फिर कोई ऐसा शख्स जिसको बगैर किसी मुतहरिके या किसी चीज़ को देखे बगैर कोई बशारत फील हो रही हो कोई शहबत फ़ील हो रही हो उसके लिए वो एक अमल है जो नेचुरली उसके अंदर है उसको उसको लाजमी पूरा करना चाहिए नाजिन जमा का सही वक्त भी होता है हम आम लोग किसी भी वक्त जम के लिए चल निकलते हैं हमें जब भी ज़रूरत महसूस होती है हम जमा कर लेते हैं लेकिन ये बेसिकली गलत चीज़ है क्योंकि इसके लिए एक सही वक्त और मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है दोनों पार्टनर्स का ना कि सिर्फ़ एक पार्टनर का मर्द और, और औरत क्योंकि दो पार्टनर हैं और इन दोनों की मर्ज़ी से ही जमा हो सकता है तो दोनों की उस बशारत को महसूस करने के लिए दोनों का मैंटली एक चीज़ पर फोकसड होना ज़रूरी होता है नाजरीन वैसे तो जमा का सही वक्त ये होता है कि आप खाना खाने के बाद तीन घंटे बाद तक जमा ना करें क्योंकि इससे आप को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और दूसरा यह होता है कि आप आधी रात के बाद जमा करें क्योंकि वो सही वक्त होता है जमा का क्योंकि उससे पहले आपकी नींद या फिर आपकी जो टेंशनस हैं वो भी इस चीज़ पे हावी हो सकती हैं तो इसलिए ज़रूरी है कि जब आपकी नींद और वो हल्की फुल्की थकावट जो आपको डेली रूटीन से हो चुकी है वो आपकी उतर जाए और आप मैंटली सेटिसफाई हो जाएँ और आप मैंटली प्रिपेर्ड हो जाएँ तब आप जमा करें ताकि आपका पार्टनर और आप उस बशारत को प्रॉपर तरीके से फ़ील कर सकें ना तो कुछ मर्द हज़रा ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर्स उनसे सेटिसफाइड नहीं हो पाते उसकी वजह या तो उनके अजुए खास का छोटा होना या फिर उनकी टाइमिंग्स का कम होना है क्योंकि वो अपने पार्टनर्स को उस तरह से खुश नहीं कर पाते सेटिसफाइड नहीं कर पा रहे होते तो ऐसे मर्द हजरा के लिए जो है वो हमारे पास एक तोहफ़ा है वो है मजनू खासुल ख़ास नाजरीन जी हाँ ये माजून ख़ास असौदे तबी फाउंडेशन का खासुल ख़ास एक नुस्खा है जो कि तमाम मर्द हज़रा के लिए है ये एक तोहफ़ा है मर्द हज़रा के लिए जिनके पार्टनर्स उनसे खुश नहीं हैं तो नाजरीन इसको ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर नंबर दे दिए गए हैं आप उन नंबर्स पर रबता कीजिए और बिल्कुल मुफ्त डिलीवरी है इसकी पूरे पाकिस्तान में आप ऑर्डर कीजिए और इसको इस्तेमाल के बाद फिर आप अपने पार्टनर से भी पूछ सकते हैं और आपने हमें कमेंट्स में भी बताना है कि आपको माचून खास से किस कदर फवाद हुए हैं और आपका पार्टनर आपसे कितना सेटिसफाइड है जी हाँ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ